नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार लक्ष्मी की शादी को इनवाइट मिला है इस समय ऋषि की फैमिली को, और ऋषि ने जो कि बोल भी दिया है कि ये शादी भगवान करे ना हो पाई। लेकिन दोस्तों, इधर ऋषि के फादर की बात की जाए तो ऋषि के फादर का बोलना ये है कि इतना गंदा भाग तो नहीं हो सकता लक्ष्मी का कि उसको इतना गुंडा मवाली जैसा बलविंदर मिले। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इधर ऋषि की मॉम नीलम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि फाइनली लक्ष्मी की किस्मत में एक गुंडा मवाली लिखा है। लेकिन इधर आयुष ने पूरे का पूरा गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आयुष की बात की जाए तो आयुष इस समय बुरखे में आएगा, और बुरखे में आने के बाद में वो बहुत कुछ चेंज करता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी को फेरों पर बैठन ही नहीं देगा। बलविंदर का कहना यह है कि अब मैं दूल्हा बन चुका हूं और फाइनली मेरी शादी लक्ष्मी के साथ में होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के भाग्य में किसी भी तरीका से बलविंदर नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इधर ऋषि हर कीमत पर चाहता है कि लक्ष्मी की शादी नहीं होनी चाहिए इस गुंडे मवाली के साथ में। आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार ऋषि अपनी फैमिली से झगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है कि तुम लक्ष्मी को दोष देना बंद करो। क्योंकि दोस्तों, लगातार बात की जाए ऋषि की मॉम नीलम की, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं कि चलो फाइनली अब शादी जो हो रही है लक्ष्मी की, वो बलविंदर से हो रही है। इधर सालू ने बोल दिया है, इधर सालू ने जो बोला है आयुष से कि आयुष तुम ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि आयुष इस समय पूरा गेम खेलता हुआ नजर आने वाला है कि आखिरकार करना क्या है और क्यों करना है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि बलविंदर को ही वो किडनैप करता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि बलविंदर जैसा गुंडा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।